हेलो, देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ। एक्चुअली ना मुझे कुछ कहना था। तो हमारा घर थोड़ा छोटा है, बड़ा घर खरीदने के अभी पैसे नहीं है। माँ बाबा चाहते थे कि शादी में एक बड़ा घर मांग लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें सख्त मना कर दिया। मुझे दहेज नहीं चाहिए। 262 आ गई ये बस ना, तुम्हारे कॉलेज भी जाती है और मेरे ऑफिस भी। चले अरे लेडीज यार, एक मिनट रुको। चलो चलो, कब से खड़े यार? दो फुल डे पास दीजिए। नहीं, मेरे लिए बस आयन तक। आप रोज फुल डे पास लेते हैं? हाँ, मार्केटिंग जॉब है ना, तो बैंड्रा से चर्चगेट जाना पड़ता है, फिर चर्चगेट से नरीमन पॉइंट, फिर बैंड्रा और उसके बाद घर। अब अलग अलग टिकट लेता हूँ तो अराउंड 70 रुपए होते हैं। पास हो जाता है 40 रुपए का, 30-30 रुपए करके महीने के 900 रुपए बच जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। पर क्या पूरी जिंदगी उसको झेलना पड़ेगा? हर सुबह उठोगी और उसी की शक्ल देखोगी। तो अब क्या करो? मुझे क्या पता क्या करो? नहीं पता तो आओ चुपचाप शादी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो नहीं आ रहा हूँ। तुम्हारा स्कूटर खराब होता है, मैं आती हूँ धक्का लगाने। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होता है इंजेक्शन लगवाने के लिए, मैं आती हूँ साथ, ताकि मेरा हाथ पकड़ के तुम चीख सको। और तुम्हारे हिसाब से तो आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम नहीं आओगे मेरा साथ देने। आखिरी बार तुमसे गुड नाइट कहूँ, नहीं बोलने दोगे? तुम मुझे गुड नाइट नहीं कहने आती प्रज्ञा, तुम इसलिए आती हो क्योंकि 10 बज रहे होते हैं, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम है। और जब तुम लाइट ऑफ करती हो तो मुझे पता चल जाता है कि 10 बज रहे, मुझे घड़ी देखनी नहीं पड़ती है, मैं अपनी लाइट ऑफ कर देता हूँ, पैसे बचते हैं। प्रज्ञा लिसन, मेरे पास वो सूट नहीं है, टाई नहीं है। टाई है, येलो वाली टाई है। नो नो, आई डोंट लाइक इट, इट्स यू लाइक इट, यू लाइक इट, तुम्हें पसंद आई थी, यू लाइक इट। नो प्रज्ञा, आई थी। अब तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी शादी पर आ जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, ओके? एंड इट्स रॉन्ग प्रज्ञा, तुम जल्दबाजी कर रही हो क्योंकि तुमने देर कर दी। चलो, आपने बताया नहीं कि आपको एक छोटी बेटी भी है, वो भी इतनी खूबसूरत, इतनी मॉडर्न। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसी तो कुछ किया ही नहीं। ऐसी ही बात है, आपने जानबूझकर उसको हमसे छुपा के रखा, क्योंकि जिस दिन हम रोके की बात करने आए थे तब भी वो नहीं दिखी और सगाई वाले दिन भी नहीं दिखाई दी। पुष्पा जी वो ना उसके ना कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे ना, इसीलिए। और आप बड़ा धीरे बोलिए ना, देखिए रिश्तेदार सुन रहे हैं। हाँ तो मुझे सब समझ में आ गया, अपने जानबूझकर दोनों बेटियों को साथ में नहीं आने दिया, क्योंकि आप जानती थी कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपने बेटे के लिए छोटी वाली को चुनूंगी या फिर रिश्ता ही नहीं करूंगी। नहीं नहीं, अब गलती तो हमसे हो गई ना कि हमने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। अब कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, अब शादी होगी भी या फिर बारात वापस जाएगी। देखिए आप ऐसे हाथ पैर मत छोड़े, सच में बुरा लग रहा है, अब ऐसा मत कीजिए। और मैं बारात वापस थोड़ी ना लेके जा रही हूँ, एक माँ के दिल को मैं समझ सकती हूँ। अब देखिए, अगर मेरे बेटे को खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही है तो कुछ और मिलना चाहिए, मतलब कुछ कंपेंसेट तो होना चाहिए, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अब शादी के मुहूर्त में बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ। आप मानती है ना कि आपसे गलती हुई है? हुई है ना? चलो कोई बात नहीं, माफ किया आपको, लेकिन उसके बदले थोड़ा बहुत आपको हमारे लिए भी सोचना पड़ेगा। आप अपना ये मैरिज बोन मेरे बेटे के नाम कर दीजिए, मैं उसके भविष्य के लिए कह रही हूँ, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच। चलिए आइए, शादी के लिए देरी हो जाएगी, आइए चलिए। पुष्पा जी इस मैरिज हॉल पे मेरा पूरा घर चलता है पुष्पा, और ये दोनों बेटियों का हक मैं अकेले प्रज्ञा को कैसे पूरा हो? देखिए
या तो अपना घर चला लीजिए या अपना बेटी का घर बसा लीजिए। पुष्पति आप मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। आखिरी मोमेंट पे आपकी माँ ने हमारे सामने जो डिमांड रखी है उसके बारे में आप जानते हैं? एक्चुअली प्रज्ञा, ये आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर मेरी माँ ये हॉल मेरे नाम पर कर देती है तो आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं है? आप अपनी बारात वापस लेकर नहीं जाएंगे? प्रज्ञा देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे भी पहले नहीं पता था कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे ज्यादा सुंदर है। बट फिर भी मुझे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारी सोच अच्छी लगती है। और रहा सवाल इस हॉल का, अगर ये हॉल हमारे नाम पर हो जाएगा तो इसमें हम दोनों के लिए अच्छा है, हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। वरना मांगने को तो हम बंगलो भी मांग सकते थे, बड़ा घर खरीदने के अभी पैसे नहीं है। माँ बाबा चाहते थे कि शादी में एक बड़ा घर मांग लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें सख्त मना कर दिया, मुझे दहेज नहीं चाहिए। सही बात है माँ, ये लोग ठीक कह रहे हैं। बुलबुल के लिए तो कोई भी मिल जाता, मेरे लिए इन्हें बंगलों को इनकार करना पड़ा। ये मैरिज हॉल तो ये लोग डिजर्व ही करते हैं। आप ये हॉल मेरे नाम पर कर दीजिए। मैं भी तो इतनी देर से यही कह रही हूँ, तू मान गई ना? अब ठीक है, मैं फटाफट पेपर की तैयारी एक ही और मिनट माँ, नेगोशिएशंस हो रही है ना, तो मेरी भी कुछ डिमांड। अगर मेरी माँ ये हॉल मेरे नाम पर कर देती है तो मैं आपसे नहीं आपके कजन से शादी करना चाहती हूँ। इसके बारे में आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये तुम क्या? तरुण वो हाल ही में अमेरिका से पढ़कर आए हैं ना, आई एम श्योर तुमसे ज्यादा कमाते होंगे, मुझे तुमसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं, तो अब मुझे उन्हीं से शादी करनी है। ए लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे बेटे को छोड़कर इसकी बात कर रही है? क्यों आंटी, हम प्राइस पे कर रहे हैं, अगर हॉल मेरे नाम पे है तो चॉइस भी मेरी है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तुम जानती हो तुम क्या बोल? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आज आपको मेरी बहन ज्यादा खूबसूरत लग रही है, कल को खूबसूरत बहन नहीं होगी, खूबसूरत दोस्त होगी, खूबसूरत दोस्त नहीं होगी, खूबसूरत पड़ोसन होगी, कोई भी हो सकता है तरुण, लेकिन किसी की खूबसूरती से आप अपनी शादी को आंकेंगे? मेरी माँ मेरी आने वाली जिंदगी के सपने देख रही है और आप लोग उसी के मैरिज हॉल को अपना बनाने के सपने देख रही है। एक बेटी जब घर से विदा होती है ना, बलाएं लेकर जाती है, मैं अपने ही घर को बलाएं देकर जाऊं? तुझे रोने का मन कर रहा है ना, जी भर के रो ले, यू विल फील बेटर। तो पागल है, मैं तो जिंदगी भर रोने से बच गई, फिर क्यों रो? तू एक काम कर, कॉलेज फोन करके कह दे कि मैं कल आऊंगी, ये तो बेवजह एक दिन के पैसे कट जाएंगे। आर यू मैड? आई मीन बाहर इतना सब कुछ हो गया, तेरी शादी, तुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक सब ठीक हो जाएगा, तो परेशान मत हो पागल। पर तेरी शादी जो मुझे मिला ही नहीं, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था ना। और देर सवेर ही सही, जिसके साथ मेरा भाग्य जुड़ेगा उसी के नाम का कुमकुम सजे, है ना? कान चुप कर, तू सो जा। हाँ तू तो सोएगा नहीं जब तक गुड नाइट नहीं बोल लेगा। जा जा जा, जल्दी वेट कर रही होगी वो भी। धीरे को भी अपनाना जानती है, हर हाल में मुस्कुराना जानती है। ऐसी है प्रज्ञा। आज देर हो गई आने में। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इकट्ठी कर रहा था। क्या? ये देखो, पिछले 6 महीने में जितने भी डाउरी से रिलेटेड केसेस है ना,
उनकी डिटेल्स हैं। अच्छा, इनमें से 95 केसेस ऐसे हैं कि जिन लोगों ने डाउरी मांगी उन्हें जेल हुई है। अच्छा, उन लोगों ने तुमसे डायरेक्टली डाउरी मांगी थी, आप देखना उन पर कैसे केस फाइल करता हूँ, देखना। सुरेश, हमारे पास प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ प्रूफ है मेरे पास, बिना प्रूफ के ना कोई काम नहीं करता मैं। ये देखो 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 देखो, मैं अपने ब्रिस्की की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा लालची बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। शादी के मंडप में शादी को बीच में रख के दहेज मांगने लगा। हम लोग प्रज्ञा की शादी अटेंड करने को आए थे, अचानक ही लड़के की माँ ने उन्हीं का मैरिज हॉल दहेज में मांग लिया। ऐसा भी कभी होता है? और नहीं देने पर शादी कैंसिल करने की बात की, ऐसे लोगों को तो जेल ही भेज देना चाहिए। अच्छा प्रज्ञा, और भी बहुत सारे विटनेसेस हैं, ये सारे के सारे लोग कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब देखना, वो जो मोटी है ना, वो तो जरूर जेल की चक्की पीसेगी, और उसका बेटा तरुण, उसे तो 11 साल की सजा होगी, आई स्वेयर। मुझे किसी को जेल वेल नहीं भेजना, तुम ये रखो। अरे क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में ये लोग कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुमने मेरे लिए इतना सोचा। सोचा नहीं किया, रात भर जागा रहा, लोगों से बात की, फिर ये रिकॉर्डिंग की और ये कटिंग ढूंढी, ताकि मुझे अच्छा लगे। ओ, क्या हुआ? ये अंदर क्या बातें चल रही थी? बीजी क्या बोल रही थी कि 3-4 बुकिंग्स मिलते ही ये मैरिज के सारे लॉस पूरे हो जाएंगे? हाँ। ये मैरिज हॉल तुम्हारे नाम पर है ना? हाँ, मेरे नाम पर है, लेकिन जीजा जी की डेथ के बाद में ना पापा जी दीदी को दे गए थे चलाने के लिए। पर तुम क्या पूछ रही हो? कितने पैसे कमा रही है तुम्हारी दीदी इस हॉल से? जब नाम तुम्हारे है तो पैसे ये लोग क्यों कमाए? मतलब आज तक 1 रुपए का हमें प्रॉफिट मिला है कभी? नहीं मिला ना। देखो जाओ, तुम हॉल के पेपर लेकर आओ। ये बात तो ठीक है तेरा, अरे देखा उन्होंने, चलाया उन्होंने। अरे पर नाम पर तो तुम्हारे है ना। नाम पर होने से क्या मेरा हो जाएगा? हाँ। वो समझा कर यार, वो तो बच्चे हैं उनके, शादी करनी है उनको, पूरा घर का खर्चा चलता है इस हॉल से उनका। हमारा घर तो हवा पानी से चलता है। नहीं मतलब उनकी दो दो बेटियों की चिंता है तुम्हें, और हमारे जो 3-3 बच्चे हैं उनकी कौन फिक्र करेगा? रहने दो तुम तो, मैं ही जाकर बात करके आती हूँ। और रुक, आज रिश्ता टूटा है उनके घर पे, मैं मौका देख के बात करता हूँ ना। आज ही बात करके बात खत्म करके हम जाएंगे यहाँ से। पता नहीं ये अंदर जाकर कुछ बोल पाएंगे या नहीं। बुलबुल, ये क्या कर रही हो? बुलबुल फोन आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे बुलबुल, बुलबुल स्कूटी रोको। व्हाट? लिसन, अभी का कौन सा? लिसन बुलबुल, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, फोन नीचे रखो। एक मिनट, फोन पे बात कर रही हूँ ना। देखो, तुझे कैसे पता देखो, चला? फैन पेज पे? वाह यार बुलबुल, कम कलर टिकट हमारा चालान कर सकता है, फोन नीचे रखो। क्यों चलान कटेगा? क्योंकि ड्राइविंग करते हुए फोन पे बात करना अलाउड नहीं होता है। रियली? हाँ। और जब तुम मोहल्ले के बच्चे को डांटते रहते हो, धमकाते रहते हो, तब तुम्हारा कोई चलान नहीं करता? बोलिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बने हुए तो स्कूटर रोको। ओके रोको बोलो। ओके, हैप्पी? यस हैप्पी, गुड। या पूजा, अच्छा किया तुमने रोक लिया। सुरेश है ना, मर्जी फोन पे बात कर लो। मुझे एक बात बताओ। हाँ। तुम बचपन से ही ऐसे हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन है? मतलब ये कि दुकान आ गई, अब उतरो। I'll talk to you later, bye। तुम स्कूटर यहाँ पर क्यों पार्क कर रही हो? वहाँ पर पार्क करो ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तुम खुद क्यों नहीं पार्क कर लेते? पकड़ो। देखो सुनो, क्या कर रही हो? खुद पार्क कर। बोल। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी पैंट संभाल नहीं सकते, ऊपर से मेरी स्कूटी गिरा दी। तुम्हारे हाथ दर्द नहीं होते क्या? क्योंकि तुम्हें देख के ना मेरी आंखें दर्द होने लगती है। हटो, तुमसे नहीं होने वाला। पता नहीं कहां कहां से आ जाते ऐसे लोग। वैसे तुझे उसमें क्या पसंद है यार? तेरा दिमाग खराब हो गया, 100 बार बोल चुकी है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब तेरा नाम लेती हूँ ना तो भाई साहब का चेहरा ना सर टमाटर की तरह लाल लाल हो जाता है। लाल लाल सिर्फ अच्छे दोस्त है। वाह दोस्त, हर हीरो ना अपनी हीरोइन के लिए यही बोलता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी एक बात बताओ, वो तुम्हें लाइन सुनो, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। सर चुप, बहुत बोलती, तुम तो जाके मुंह धो के आना यार। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अरे सुरेश एक मिनट रुको, ये मैं पूरी आलू ला रही हूँ, खा के जाओ। सुरेश एक मिनट रुकना, मैं आलू पूरी लेकर आती हूँ। अरे प्रज्ञा प्लीज, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे गरम गरम आलू पूरी है ना, मैं रोल कर देती हूँ, तुम ले जाओ हाथ में। ओके। अच्छा सुनो, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? अरे तुम बुलबुल के साथ वो ज्वेलरी लेने गए, इतनी दूर तक जाना पड़ा। अरे वो तो आंटी जी ने बोला था ना, तो उन्हें ना कैसे बोल सकता था। अच्छा तुम ना मुझे ये थैंक यू ना बोला करो। क्यों? क्योंकि प्यार में नो सॉरी,
नो थैंक यू ओनली आई लव यू. वैसे तुमने वो फिल्म देखी है? कौन सी फिल्म दादी? ओ मैंने प्यार किया. मैंने प्यार किया मैं फिल्में ही नहीं देखता, स्पेशली जब से 33% एंटरटेनमेंट टैक्स लगना शुरू हुआ. Excuse me, बुलबुल जी, उसमें प्यार में नहीं दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू ये वाली फिल्म मैं देख चुका हूँ, आपको शायद दोबारा देखनी पड़ेगी. तो प्यार नहीं दोस्ती. थैंक यू प्रज्ञा. ऑयल के पेपर तो हमारे पास है, बस आप सजेशन पेपर देने होंगे. दीदी इस घर की बहू हूँ मैं, शुरू से ही ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं है मुझे. अब ये बात ऐसे ही खींचती रही तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा कोर्ट जाने के सिवा. कोर्ट में जाओगे तुम? पागलोगे तुम? इकलौता भाई है तू मेरा, छोटा भाई. हॉल के पेपर तेरे नाम पे रहे या मेरे नाम पे क्या फर्क पड़ता है? रहेगा तो इसी घर में. तुझे पेपर चाहिए ना, ले लेना. कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मेरे घर में कोई मर्द है का? तू ही तो है मेरे घर का मर्द. तूने जो भी सोचा होगा ना, सोच समझ कर ही सोचा. तू कल आके पेपर ले जाना. मैं तो कहती हूँ कि आज रात को रुक जाओ, पेपर लेके ही चले. नहीं दीदी आज रात को नहीं रुक पाएंगे, कल लॉयर से मिलना है ना, कल फिर आ जाएंगे. हा? खुश रहे. चलो बच्चों. कबीर रुक, ओए रस्ते के लिए नाश्ता बांध के दिया है वो तो तुझे जाना ही भूल गया. और सुन मिर्ची का अचार भी इसमें रखा है और तेरे मोदक भी, पकड़ ले पकड़ खा लेना. तू रस्ते का खाता है तो पेट खराब हो जाता है पता है ना तुझे. खुश रह. सॉरी मैंने नींद तो खराब नहीं की ना? नहीं मैं जाग ही रही थी लेकिन इस वक्त. तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कोई बात नहीं है वो. अच्छा सुनो कहीं तुम उन लड़के वालों की वजह, उनकी टेंशन मत लेना वो बचेंगे थोड़ी ना, ऊपर 15 केसेस ऑलरेडी लग चुके हैं. नहीं तो नहीं, नहीं सुरेश कोई कोई और बात है. कौन सी बात है? अगर घर की बात नहीं बताना चाहती तो ठीक है मैं कल आ जाऊं. नहीं सुरेश घर की ही बात है लेकिन घर के लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? कौन है? कोई नहीं पीछे कौन आएगा इस टाइम. चलो कहीं सुरेश तो नहीं आ गया? लो सपने में भी आपको सुरेश दिखाई देता है. दरअसल मामा जी ने हॉल मांग लिया है मम्मी से. आ गए तुम लोग? खुश रहे खुश रहे. कितनी भाग दौड़ हो गई होगी ना, लिखो आना फिर जाना. कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? बच्चे कैसे हैं? चल आजा बैठ जा. जानकी पानी लिया सबके लिए. काम की बात करें वो हम लोग पोजेशन पेपर्स लेने आए थे मैरिज हॉल का, अब दे देती तो. अरे तू बैठ मैं अभी लेके आती. दे देंगी.
देख हॉल के पेपर तो मैं दे दूंगी स्वीटी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी जमीन जायदाद का बंटवारा होता है ना, साथ साथ रिश्ते भी बढ़ जाते हैं। भाई बहन को माँ बाप की प्रॉपर्टी तो याद रहती है, लेकिन बचपन में साथ खेले हुए दिन वो भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरे मेरे बीच में ऐसा कुछ हो। कैसी बात कर रही है? उस हॉल के कारण तेरे मेरे रिश्ते में खटास है, ये मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अभी अभी किस बात के बिल? दुकानदारों के, वेटर्स के, केटरर्स के वगैरह वगैरह, पिछले 4 महीने से इनकी पेमेंट नहीं हुई है। वैसे तो 1 महीने के अंदर अंदर इनको पैसा मिल जाना चाहिए, पर क्योंकि आंटी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है तो काम चल जाता है, और मामा जी आप तो जानते हैं कि संबंध एक दिन में थोड़ी ना बन जाते। और जैसे ही मैंने इन लोगों को बताया कि हॉल की ओनरशिप बदलने वाली है, तो ये अड़ गए कि आज के बाद कोई मोहल्लत कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, और धमकी देने लगे कि हमें आज के आज पैसा चाहिए, नहीं तो लेबर यूनियन के पास चले जाएंगे। सो बेसिकली 4-4.5 करोड़ का खर्चा आएगा इस प्रॉपर्टी के पोजेशन के बाद। 4.5 करोड़? जी। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और मामा जी, hats off to you. वरना आज के जमाने में ऐसे भाई कहाँ मिलते हैं जो अपनी बहन के सिर का बोझ अपने सिर ले लेते हैं। क्या हुआ मामी जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अचानक से गर्मी बढ़ गई ना, आप नींबू पानी पियेंगे? नहीं नहीं, हम लोग को पेपर मिल गए, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये पेपर्स, ये मैरिज हॉल। अब दीदी इतने सारे कर्जे चढ़ा रखे हैं, पहले वो सब उतार लो फिर ले लेंगे हॉल। चलो अब, हाँ चलो। भूल चुक माफ करना दीदी, गर्मी की छुट्टियों में आना है। हाँ बुलबुल, तुम्हें तो बिल्कुल, तुम्हें भी। हाँ पैरी पाना बीजी। थैंक यू पुत्र, तूने मुझे मेरी बहन की नजरों में गिरने से बचा लिया। आज तूने वो काम किया है पुत्र जो मुझे करना चाहिए था। कहने को इस घर का इकलौता भाई बेटा मैं हूं, पर इस घर के लिए मैन ऑफ द हाउस तू है। सच मानो तो तू है इस घर का असली रखवाला। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलता हूं। ये तो वो ही बात हुई, जिथे दी खोती उथे ही अखलोती। मैन ऑफ द हाउस है? पता नहीं मामा जी क्या कह देते हैं। मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भी इस घर पे कोई परेशानी पड़ी है ना, ढाल बनकर तूने ही सब सही किया। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी थोड़ी ना कोई बोल देने से मैन ऑफ द हाउस बन जाता है। आंटी जी मैन ऑफ द हाउस वो होता है जो अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये हम सब लोग जानते हैं कि आपने इस घर के लिए क्या नहीं किया है। ये घर ना आंटी जी हवा और पानी के बिना चल सकता है, लेकिन आपके बिना नहीं चल सकता। आप ही हो असल में मैन ऑफ द हाउस। हर माँ की तरह ना मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी जैसी बच्चियां भगवान सबको दे। लेकिन आज एक लाइन और बोलना चाहती हूँ, तेरे जैसा पड़ोसी भगवान सबको दे। और अगर पड़ोसी को चाय पीने का मन हो तो एक प्याली चाय मिल सकती है आंटी जी? आज तो चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे। एक रख दो ना। नाइस टी। बिस्किट लाना? नहीं नहीं, इसमें शुगर और मैदा होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं कुछ दूं ना तुम्हें, तुम्हें चाहिए नहीं होता। बड़ा ही अच्छा लड़का है मेरा बेटा ना, सही लेकिन बेटे से बढ़कर करता है घर के लिए। अब क्यों ले रहे वो? मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ ना, तो कुछ नहीं होगा। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, आया मौसम दोस्ती का। दोस्ती का? That's what I meant. दोस्ती का, दोस्ती।
पकौड़े आ गए। बेटा वैसे स्वीटी ने पेपर लेने से तो मना कर दिया, लेकिन इतने सारी मुश्किलें और भी तो पड़ी हैं, वो लोन और वो टैक्स और सर। आंटी जी उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो जो यहाँ का लोकल कॉर्पोरेटर है ना, वो मेरे दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त है, तो उससे मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो हो सकता है हमारे सारे टैक्सेस और ये पेनल्टीज है ना वो माफ कर दे। मैं तेरे लिए और गरम गरम पकौड़े लेके आती हूँ। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो मैं आराम से जा सकती हूँ। कहाँ जाना है तुझे? अब ममा रॉक कॉन्सर्ट। किसका कॉन्सर्ट है? हरिहरन जी का? जी नहीं, मेरे अभी का कॉन्सर्ट है, द सेंसेशनल रॉक स्टार अभी, डू यू अंडरस्टैंड दैट? अभी उसे तो मैं कभी समझ नहीं पाया, वो गाता है वो तो ढोल पीटता रहता है। माँ प्लीज जाने दीजिए ना। कैसे कैसे तुझे भेज दूँ, कोई समझदार लड़का होता ना साथ में तुम्हें भेज भी देती। माँ चार चार लड़के आ रहे हैं मेरे साथ। चार चार लड़कों के साथ जाएगी तू? अगर उनमें से एक लड़का भी सुरेश जैसा होता ना तो मैं भेज भी देती। बेटा तू जाएगा इसके साथ? मैं चला जाता हूँ। मुझे डेवन से पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि तुम दिल के अच्छे हो जो तुम नहीं हो। गलत थी यार मैं। यू आर एन अनहैप्पी मैन। तुम लोगों को खुश नहीं देख सकते, तुम उन्हें परेशान करना चाहते हो। और तुम मेरे अभी के बारे में क्या भला बुरा बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है अभी क्या कर सकता है? वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है जो तुम नहीं ला सकते। अभी की एक झलक देखने में हम लोग को जो स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, जो धक्का मुक्की करते हैं ना वो लोग, मुझे अच्छा लगता है। Because it's worth it. वो लोगों के चेहरे पे खुशी लाना जानते हो और तुम लोगों से खुशी छीनना चाहते हो सुरेश। I am okay. I mean, मुझे अपने लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि मैं अभी के कॉन्सर्ट में नहीं गई ना, ऑल दैट। घर जाके रोलूंगी मैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो तुम्हारे दिल के पास है, क्योंकि वो बेचारे इतना तक नहीं जानते कि तुम उनकी खुशियां तक बर्दाश्त नहीं कर सकते सुरेश, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। You get that? You better get that. Sorry guys. It's okay. पहली बार ऐसा हुआ कि सुरेश ने गुड नाइट कहे बिना ही लाइट्स ऑफ कर दी। दो बातें तो पक्की हैं। पहली ये कि हमारी बुलबुल और सुरेश की आपस में कभी नहीं बन सकती, और दूसरी प्रज्ञा और सुरेश के बीच में अनकहा ही सही लेकिन प्यार जरूर है, तभी तो प्रज्ञा की खुशी के लिए सुरेश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और प्रज्ञा भी तो सुरेश की कितनी फिक्र करती है, शायद इसीलिए आज तक कहीं और मेरी प्रज्ञा का रिश्ता जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि शायद इसके भाग्य में सुरेश ही। कोई नहीं जानता, लोग इसे डेस्टिनी कहते हैं, बट मैं कहता हूं टू हेल विद डेस्टिनी। एपिसोड देखिए Z5 पर।